मैंने उससे कहा, ए सुन, बाजार से जाकर कच्चे आम ले आ, मुझे अचार डालना है। तो कहने लगा, ए सुन, मत कहना मुझे, मेरा नाम भोला है। हाय, हार के राधा रानी को से भोला कहना ही पड़ा, तब जाकर बाजार गया। कमबख्त मारा। जी जी ऐसे परेशान मत होइए, ये दर्द तो सिर्फ इतना है जैसे कि सुई चुभी हो। अगर ये रिश्ता हो जाता ना जीजी, तो इतना दर्द होता जैसे कि तीर ना सीधे सीने में घुस गया हो। अच्छा किया नेहा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। और जीजी वैसे भी ना छोटे घर में ना अपनी लड़की नहीं ब्याहनी चाहिए। राधा रानी तो पहले ही मना कर रही थी, पर इस गरीब की बेटी की सुनता कौन है यहाँ पे। आनी जी, दवाई लेने का वक्त है, ये लीजिए आपका जूस। क्या डॉक्टर ने, जब देखो बस दवाई दवाई दवाई। अरे जीजी का अच्छे से ख्याल रखा होता ना तो अब तक ठीक हो गई होती, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ठीक है, न्यूट्रिशन पूछ तो लो, अचार डाल रही हैं आप, मेहनत बेकार ना हो जाए। हाय जी जी, अब छोटे छोटे कामों के लिए नौकरों से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आनी जी वैसे थोड़ा खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी आम का अचार तो बेस्ट होता है। और मेरी माँ ने हमेशा से चाहती थी कि उनका एक टेरेस फ्लैट हो ताकि वो अचार बनाने के लिए आम सूखा सके। देखा, दे दी इजाज़त। हाँ हाँ दे दी। मैं चलती हूँ। क्या भाभी आप उसके पीछे ही पड़ी रहती हैं? क्या चीज़ अभी इन लोगों का तीनों का निकाल के लगा देते। ऐसी कौन सी कहीं आग बुझाने जा रही है जो जाना जरूरी है, काम खत्म हो जाएगा ना उसके बाद चली जाना जहाँ जाना है। क्या बोल रहा था मैंने? जी इस गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया। एक ये बंगालन है जो काम बीच में छोड़कर कहीं बाजार जा रही, और देव देव भी आज ऑफिस लेट जा रहा है। वैसे बंगालन सर, मैंने देखा कब इसको कि मुस्कुरा रही है। मैं तो पहले ही समझ गई थी जब तेरी फोन की घंटी बजी और तू मुस्कुरा रही थी। अच्छा वैसे भी राधा रानी ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। कौन बोल सर? अरे बाकी वो सॉफ्टी थोड़ा राइट में लेना, जाना बोलिए। अपने काम के बाद चली जाना जहाँ जाना है। हाँ
गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, एक बंगालन है जो काम छोड़कर बीच में ही बाजार जा रही है। देर भी आजकल ऑफिस लेट ही जा रहा है। बंगालन जी जी को तो बताती जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो। चलो। हाँ, कुछ ऐसा वैसा मामला है तभी बता नहीं पा रही हो, ये वो कर रही हो। वैसे भी मैं तो पहले ही समझ गई थी जो तुम्हारे फोन की घंटी बजी थी। बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राधा रानी ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। हाँ भाभी, क्यों आप मुझे तंग कर रही हैं? अगर कोई होता तो बता देती ना। वो कोई है दी, आपका न्यू बॉयफ्रेंड? नहीं, कोई नहीं है दी। आपने रहने दो, आपने लास्ट टाइम में मुझे ऐसे लो बनाया था, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। ठीक है ना, मैं भी साथ में चलती हूँ। चल निकी, क्यों तंग कर रही हो तुम लोग सब? जब कोई होगा तब वो खुद बता दे। आ जाए इधर, आ जाओ। नहीं नहीं ये उसका फोन बज रहा था ना काफी, उसको जो सारे गरीब पीढ़ी को कोई सुनता ही नहीं। पता नहीं आजकल बच्चों को क्या हो गया कि ये बंगाल में काम छोड़ के खरीदारी करने की सुन जाती है। देख आते ऑफिस भी लेट जा रहा है। अरे बंगाल कम से कम जीतनी ये तो बता के ना कहाँ जा रही है। अगर कोई होता तो वो बता देती ना। अरे कोई है तो बोले क्या? हाँ भाभी, क्यों बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं आप? और अगर कोई है तो क्या बुरा? कोई है? वो कौन है सोना जी? न्यू बॉयफ्रेंड? मेरी ऐसा कुछ नहीं है सोना जी। आपने मुझे पहले ही उल्लू बनाया, अब आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। क्या होगा तो बता देगी वो। चल आ जाए यहाँ। सोना है जो मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और वो कहीं जा रही है। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ देखने की कि क्या चल रहा है इसका, क्या चल रहा है, क्या चक्कर है। और हमेशा आज की अभी मुझे सस्पिशियस हो गया थोड़ा सा कि कहीं देव का और इसका कुछ है तो नहीं। बट पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, बट वैसे ही कयास लगाती रहती है, गैस करती रहती है। तो उसी के पीछे पड़ी है, सोच रही है कि हो देख, मतलब पहले हो तो मुझे ही पता लगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो यही है। मुझे तो जब भी मौका मिलता है कि सोना के पीछे पड़ने का तो मैं कोई मौका छोड़ती नहीं हूँ। तो इस घर में आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है और ना पसंद कौन है? उसे पसंद सिर्फ उसे अपना बेटा है और खुद अपने आप को पसंद करती है और सबको ठीक ठीक रखती है। बट जैसे मौका परस्त लोग जो होते हैं कुछ इस तरह की है, सामने से जी 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 देव 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 केयर करती है, पर उतनी नहीं, उस तरह से नहीं, अपने बेटे को और अपने आप को ज़्यादा पसंद करती है। हाँ जस्ट लाइक दैट, या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और ये मैं खुद कैसे कह सकती हूँ, ये तो दूसरे लोग ही बता पाएंगे। सबके साथ बहुत अच्छा है, पूरी कास्ट बहुत अच्छी, इवन टीम भी बहुत बहुत अच्छी है। सब लोग काम में मजे से रहते हैं और जब काम नहीं होता तो खूब मस्ती करते सब लोग। वो बहुत अच्छे हैं और जब भी उन्हें लगता है कहीं मुझे बताना है तो बताते हैं, या मुझे कुछ उनसे वो करना होता है तो उनकी ट्यूनिंग मेरे साथ बहुत अच्छी है, तो हम आपस में डिस्कस करके कर लेते हैं। कभी भी ये नहीं लगा कि नहीं मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो मुझे डोमिनेट करें, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। आज आपको
वो तो आप देखिए और खुद ही जानिए. थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना. कितना उन्हें परेशान करेंगे? जितना मुझसे हो सकेगा, जितना राइटर लिख पाएगा उतना मैं परेशान करूँगी. हाँ, आप हमारा शो देख रहे हैं, सबको बहुत आप लोगों की अगेन अगेन हमारा शो आप लोग देख रहे हैं, उसके